फाइनली गाइज आज वो दिन आ गया है जिसका हम काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। अब आप इंस्टाग्राम पर आज से ब्लूटिक अभी से खरीद सकते हो। लाइव इस वीडियो में आपको इंस्टाग्राम पर ब्लूटिक खरीद के दिखाऊंगा, वो कैसे कहां पर। तो फाइनली गाइज ये स्कीम इंडिया में अवेलेबल हो गया है, अब आप इंडिया में ब्लूटिक परचेस कर सकते हो। कितने पैसे में कैसे पेमेंट करना है, कैसे खरीदना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो सिंपली गाइज आपको अपनी प्रोफाइल पर विजिट करना है एंड आपको एक ऐसा नोटिफिकेशन भी आया होगा। मेरे को ये नोटिफिकेशन आया था तो इसके बाद मेरे को पता चल गया था कि इंडिया में अवेलेबल हो गया है। अब आपको देखो, जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पे विजिट कर दो, देन आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है। इससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो मेटा वेरीफाइड फीचर आ गया है, क्योंकि ये हटा दिया गया था। काफी लोग पिछली वीडियो में बोले थे कि यार आप फेक वीडियो बना दो, भाई मेरी हर एक वीडियो रियल होती है, कोई भी फेक नहीं होती है। तो मेटा वेरीफाइड फीचर फिर से आ गया है, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा लिखाएगा मेटा वेरीफाइड फर्स्ट। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा देखो, फर्स्ट आपको मिलेगा ए वेरीफाइड बेस, आपको ब्लूटिक मिल जाएगा जिसको हम ब्लूटिक बोलते हैं। सेकंड इनक्रीज अकाउंट प्रोटेक्शन, आप अपने अकाउंट को सेव कर पाओगे, इसमें आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल जाएगी। सपोर्ट व्हेन यू नीड इट, मतलब आप जो इंस्टाग्राम की टीम है उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर पाओगे अगर आपको इंस्टाग्राम पर कोई भी प्रॉब्लम आती है। देन इसके बाद फोर्थ आपको मिलेगा यूनिक स्टिकर्स जो कि एक्सक्लूसिव होते हैं, वो आपको फ्री में मिलेंगे। कैसे, चलिए यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सब्सक्राइब पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा है देखो यू बी बिल्ड 699, जिसको हम इंग्लिश में बोल लेते हैं 699 पर मंथ ऑन दिस प्रोफाइल। इस अकाउंट पर 699 रुपये में अवेलेबल है ब्लूटिक, इसका सब्सक्रिप्शन है। अब आपके अकाउंट पे कितना शो कर रहा है भाई, वो आपका अलग हो सकता है। वैसे मेरे अकाउंट पे तो 699 में कर रहा है, अगर आप 100 यूजर हो आई थिंक सबका सेम हो सकता है। आपको पता होगा आपके अकाउंट पे कितना शो कर रहा है। इसके अलावा आईफोन यूजर हो तो उनका थोड़ा महंगा भी हो सकता है। इसके बाद ये आपको बोला है आफ्टर पेमेंट विल कन्फर्म योर आइडेंटिटी विच कुड टेक अप टू 48 आवर्स, इफ वी अनेबल टू कन्फर्म योर आइडेंटिटी वी रिफंड योर पेमेंट। ये बोल रहा है जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, 699 रुपये आपने पेमेंट कर दिया है, उसके बाद ये आपसे कॉन्टेक्ट करेगा आइडेंटिटी के लिए। उसमें ये आपसे गवर्नमेंट प्रूफ लेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह, इनमें से आपसे कोई भी एक गवर्नमेंट प्रूफ लेगा। आप कुछ भी लगा सकते हो, आधार कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट वगैरह, क्या मांगेगा भाई आगे पता चलेगा, अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अब जैसे ही ये 48 आवर्स के अंदर आपसे आइडेंटिटी करवाएगा, आपसे कोई गवर्नमेंट प्रूफ लेगा, नोटिफिकेशन के थ्रू आपसे ये कॉन्टेक्ट करेगा या ईमेल के थ्रू आपसे ये कॉन्टेक्ट करेगा, वहां पर एक फॉर्म होगा जिसको आपको फिल करना होगा। उसमें आपको अपना आइडेंटिटी करना है, पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह ये सब उसमें लगेगा। अगर ये आपसे नहीं कर पाते हैं कॉन्टेक्ट 48 आवर्स के अंदर, तो आपका जो ये ब्लूटिक वाला सब्सक्रिप्शन आपने दिया है ना, 699 रुपये आपने पेमेंट कर दिया था, तो अगर आपको ब्लूटिक मिलता है, 699 रुपये आपने पेमेंट कर दिया है, 48 आवर्स के अंदर आपसे ये कॉन्टेक्ट करेंगे आइडेंटिटी के लिए। उसमें आपको गवर्नमेंट आईडी देना होगा। अब आपने गवर्नमेंट आईडी दे दिया है, इसके बाद आपको ब्लूटिक नहीं मिलता है, आपको कैंसिल कर दिया जाता है कि आपके अकाउंट पे नहीं मिलेगा ब्लूटिक, तो आपके जो ये 699 रुपये है ये आपको रिफंड मिल जाएंगे, आपके वापस कर दिया जाएगा। अगर आपको ब्लूटिक मिल जाता है, ये पुष्टि करेंगे, पुष्टि मतलब आइडेंटिटी करेंगे, उसके बाद अगर आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, आपको ब्लूटिक दे दिया जाता है, तो आपको वापस नहीं मिलेगा फिर 699। और अगर नहीं मिलता, ये पुष्टि नहीं कर पाते, ये आपको रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर आपके जो 699 रुपए है ये आपको आपके बैंक में रिफंड मिल जाएंगे वापस, कहीं पर भी आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक, इसके बाद आगे लिखा है व्हाट यू गेट विद योर सब्सक्रिप्शन, जो आप ये 699 रुपए में सब्सक्रिप्शन ले रहे हो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट ए वेरीफाइड बेस, मतलब आपको ब्लूटिक मिल जाएगा। सेकंड एक्स्ट्रा अकाउंट सिक्योरिटी, आप अपने अकाउंट पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगा पाओगे, वो इसमें आपको ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा इस सब्सक्रिप्शन में। थर्ड डायरेक्ट सपोर्ट, आप डायरेक्ट बात कर सकते हो इंस्टाग्राम से, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इंस्टाग्राम से डायरेक्ट बात करो और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कराओ। फोर्थ मोर स्टार्स एंड वो स्टिकर्स, ये बोला है मोर स्टार एंड स्टिकर, आपको ज्यादा स्टिकर मिलेंगे और जो स्टार होते हैं जिसमें हम गिफ्ट वगैरह खरीदते हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे फ्री में ज्यादा। इसके बाद नीचे लिखा है बाय टाइपिंग बाय पे नो यू एग्री टू टर्म्स एंड
पॉलिसीज, यू विल बी ऑटोमेटिकली चार्ज 699 एवरी मंथ, यू कैन कैंसिल एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर योर नेक्स्ट पेमेंट डेट विविंग सब्सक्रिप्शन इन योर गूगल प्ले सेटिंग। ये बोल रहा है देखो, जैसे ही आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, आपने एक महीने के लिए ब्लूटिक ले लिया है, इसके बाद जब एक्सपायर डेट होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने आज ब्लूटिक ले लिया है, 30 दिन बाद ये एक्सपायर डेट होगा, तो जो एक्सपायर डेट है उस डेट से एक दिन पहले, मतलब 24 आवर्स पहले, जिस दिन आपको लग रहा है कि मेरे सब्सक्रिप्शन का आज लास्ट डे है, आपको पता लग गया कि कल के दिन लास्ट डे है, उस लास्ट डे से 24 आवर्स पहले आपको नेक्स्ट, अगर आपको ब्लूटिक रखना है नेक्स्ट मंथ भी, तो आपको पेमेंट कर देना है। आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, गूगल प्ले स्टोर में जाके सेटिंग में जाके वहां पर आपको एक्सपायर डेट देख लेना है और वहां से आपको पेमेंट कर देना है। इसलिए बोल रहे हैं अगर ऐप स्टोर है तो ऐप स्टोर में आपको जाना होगा, देन यहां पर आपको पे नो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे नो पे क्लिक कर देते हो तो यहां पर देखिए गाइस बैंक डिटेल्स आती है, तो स्क्रीन ब्लैक भी हो सकती है, लेकिन मैं यहां पर जो अपने लिप्स से बोल रहा हूं उस पर आप फोकस करना, आपके समझ में आ जाएगा। तो सिंपली गाइस जैसे आप यहां पर क्लिक करते हो, यहां पर मैंने ऑलरेडी अपना पेटीएम इसमें ऐड किया हुआ है। अगर आपका नहीं आ रहा है इस तरह से, आपने ऐड नहीं किया हुआ है, तो आपको करना क्या है, यहां पर मैं मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखा दूंगा आपको करना कैसे है। तो देखिए यहां पर आपको इस तरह से मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपके गूगल प्ले बैलेंस, अगर आपके गूगल प्ले स्टोर में बैलेंस ऐड है वो भी चल जाएगा, या फिर आपने पेटीएम वगैरह ऐड किया हुआ है वो भी चल जाएगा। तो यहां पर देखिए आपको फोर्थ ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट एड क्रेडिट और डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। सेकंड है एड पेमेंट वॉलेट, उससे भी मतलब यहां पर आप अपना जो पेमेंट वॉलेट है आपका पेटीएम वॉलेट है वो ऐड कर सकते हो। थर्ड है पे विद यूपीआई, आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। फोर्थ है रिडीम कोड, आप इन चारों ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। तो यहां पर मैं चलिए आपको सिंपल सा मेथड बताता हूं, आपको पे विद यूपीआई पे क्लिक कर देना है, बहुत सिंपल सा मेथड है। अब यहां पर देखिए आपको अपने पेटीएम में जाना है, वहां पर जो आपकी यूपीआई आईडी है वो यहां पर आपको दे देना है। यूपीआई आईडी आप लोगों को पता होगा, चलो मैं हिंट दे रहा हूं, इस तरह से यहां पर देख लो, ये यूपीआई आईडी होती है, ये यहां पर आपको फिल कर देना है कॉपी करके। यहां पर मैंने अपनी यूपीआई पिन दे दिया है, देन यहां पर मैं कंटिन्यू कर देता हूं। देन यहां पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब पर क्लिक करते हो तो गाइस आपके सामने ये कुछ प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आपको पेमेंट कैसे करना है सब कुछ यहां पर क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ रहा है, ओपन योर यूपीआई ऐप। देखिए आपने जिस भी यूपीआई पिन दिया है, आपने जिसका भी यूपीआई पिन दिया है उसका पेटीएम आपको ओपन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने यूपीआई पिन पेटीएम का दिया है तो आपको पेटीएम ओपन करना है, या फिर आपने उसका दिया है फोन पे का तो फोन पे ओपन करना है। आपको अपने मोबाइल में पेटीएम ओपन करना है, देन यहां पर आपको करना क्या है, आपको प्रोसीड कर देना है, इसके बाद ये पेमेंट आपको कर देना है। जैसे जैसे आप यूपीआई पिन वगैरह देते हो ना पेटीएम वगैरह की, वो सब करके आपको इस तरह से पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर ये दो आ रहे हैं, इनको आप कॉपी कर सकते हो, मैंने कॉपी कर लिया है। इसके बाद आगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे ही पेमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। मेरे से एक मिस्टेक हो गया है, मेरा पूरा इंस्टाग्राम बैक हो गया है और मैंने पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया है, क्या ये ऑप्शन मेरे को फिर से मिलेगा आगे का या नहीं मिलेगा, मैं आगे कुछ कर पाऊंगा या नहीं। तो आपके भी साथ अगर ऐसा हो जाता है तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पर मेटा वेरीफाइड लिखा रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी माने अकाउंट सेंटर माने, यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा लास्ट में मेटा वेरीफाइड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर लिखा रहा है नीड टू कन्फर्म आइडेंटिटी, मैंने नहीं किया था ना, तो गाइज मुझे सुकून मिला है कि ये ऑप्शन मुझे मिल गया है, अदरवाइज भाई मेरा 700 रुपये का इलाज हो गया था अभी। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, देन यहाँ पर ये बोल रहा है मेटा वेरीफाइड मैनेज सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर आपको कन्फर्म योर आइडेंटिटी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो सबसे पहले ये बोल रहा है टेक्निकल सेफ, योर फर्स्ट नेम एंड स्टोर नेम मस्ट मैच योर आईडी, यहाँ पर आपका वो नेम होने चाहिए जो आप गवर्नमेंट आईडी देने वाले हो ना। तो गाइस मैं बोल रहा था ना कि ये आपको नोटिफिकेशन के थ्रू, ईमेल के थ्रू मेल करेंगे, एक फॉर्म फिल कराएंगे, वो फॉर्म यहीं पर ही फिल होगा, ठीक है। इस तरह से सिंपली आपको यहाँ पर सबसे पहले तो नेम चेंज कर लेना है, जो ये आपका नेम है टेक्निकल सेफ, सिंपली इसको आपको वो करना है जो आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड में है। तो यहाँ पर जो पैन कार्ड में मेरा नेम है वो यहाँ पर मैं दे देता हूँ, सिंपली मोहम्मद सेफ, ये मैच होने चाहिए वही। देन मैं प्रीव्यू चेंज कर देता हूँ, देन इसके बाद ये बोल रहे हैं मेक श्योर एवरीथिंग इज करेक्ट, चेंज मेक आइडेंटिटी विजिबल योर, कन्फर्म चेंज कर देता हूँ। वैसे यहाँ पर मैं इस तरह से आपको चेंज कर लेना है, ठीक है, जो आपके पैन कार्ड में है
या आधार कार्ड लगा रहो, इन दोनों में से कोई सी भी गवर्नमेंट आईडी दे रहो, तो इन दोनों में जो आपका है वही आप दे। इसके बाद आपको प्रोफाइल फोटो देना है। प्रोफाइल फोटो में गाइज आपको अपलोड न्यू प्रोफाइल फोटो देना है। यहाँ पर मैं न्यू दे देता हूँ, ये रहा, ये यहाँ पर मैंने दे दिया है गैलरी से, वही देना है जो आपकी प्रोफाइल में लगा है। देन आपको यहाँ पर कन्फर्म चेंज कर देना है। इसके बाद सिंपली गाइज आपको बैक कर देना है। देन यहाँ पर ये बोला है सेटअप फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सब कुछ मैंने किया हुआ है गाइज, सेटअप है सब कुछ। देन इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। देन जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो ये बोला है अकाउंट रिव्यू इन प्रोग्रेस, वी कन्फर्मिंग डेट यू एलिजिबल मेटा वेरीफाइड, टेक ए फ्यू सेकेंड एंड सम केसेस 24 आवर्स यू कैन ट्राई अगेन इफ यू रिसीव दिस मैसेज। आपको गाइज एक मैसेज आएगा, ठीक है, अभी तो ये फ्यू सेकेंड बोल रहा है, तो फ्यू सेकेंड में अगर काम हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ आ गया है, देखो ये आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर ये बोल रहा है फर्स्ट ड्राइविंग लाइसेंस, सेकेंड अगर आपके पास पासपोर्ट है वो भी आप दे सकते हो, थर्ड है नेशनल आईडी कार्ड, फोर्थ है स्टेट आईडी। अब गाइस देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ, मैं एक मिस्टेक करने जा रहा हूँ। मैं देखो मेरा जो आधार कार्ड है और जो पैन कार्ड है, जो पैन कार्ड है इसमें मेरा नेम रॉन्ग हो रहा है और आधार कार्ड में सही है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं जो पैन कार्ड में है वो ही दे देता हूँ। यहाँ पर मैं मोहम्मद सेफ है, तो यहाँ पर आपको देखो नेशनल आईडी कार्ड, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो दे सकते हो, वो नहीं है पासपोर्ट है पासपोर्ट दे सकते हो। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है नेशनल आईडी कार्ड। नेशनल आईडी कार्ड का मतलब है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके पास आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, इसमें आपकी एज 18 प्लस होना चाहिए तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अपना जो है ना नेशनल आईडी कार्ड में अपना आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी दे देना है। तो यहाँ पर मैं अपना पैन कार्ड दूंगा, सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अब गाइज यहाँ पर ये बोल रहा है इस तरह से आपको टेक ए फोटो, यूज ए वॉल इट एरिया, प्लेस योर आईडी ऑन फ्लैट शोर, यूज कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड। अब गाइज देखो मैं करता क्या हूँ, एक आपको करना क्या है, टेक एक फोटो लेना है लाइव, ठीक है। वो कैसे लेना है, आपको करना क्या है गाइज, मैं यहाँ से उठ जाता हूँ, कहीं पर भी एक वाइट हो या ब्लैक हो इस तरह से प्लान होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, ये चेयर एकदम ब्लैक है, इस तरह से मैंने चेयर पे देखो सीधा रख रहा हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर टेक फोटो पे क्लिक करता हूँ, अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से ये एक फ़ोटो लेगा, यहाँ पर ये स्कैन हुआ इस तरह से खुद एक फ़ोटो ले रहा है। देन यहाँ पर हमारा फोटो ऑटोमेटिक हो गया है। इस तरह से जैसे ही ये फोटो ले लेते हैं देन आपको नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो तो ये फिर से बोल रहा है फिट द बैक योर आईडी इन द फ्रेम। गाइस फर्स्ट तो मैंने फ्रंट का दिया है, सेकंड आपको इस तरह से पैन कार्ड को उल्टा रख देना है, जो पैन कार्ड का बैक है वो रख देना है। देन आपको फिर से देना है इस तरह से, इस तरह से बैग को रख के आपको फिर से होल्ड रखना है, बस इसी के ऊपर ये चलता रहेगा, प्रोसेसिंग होती रहेगी। इस तरह से प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया, देन आपको करना क्या है, अब आपको सबमिट कर देना है। अब जैसे आप सबमिट कर देते हो ये अपलोडिंग लेगा, फाइनली यहां पर ये लिखा गया है आइडेंटिटी कंफर्मेशन इन प्रोग्रेस, Once your identity has been confirmed, you have access all meta verified benefits. We typical able to confirm your identity within 48 hours. 48 hours में ये notify you Instagram win please. 48 hours आपको wait करना है, यहाँ पर आपको finish करने के बाद 48 hours wait करना है, 48 hours के अंदर ये आपके account को verify कर देगा। अगर 48 आवर्स के अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ तो ये आपके जो पैसे है वो वापस कर देगा। गाइज अब हमें 48 आवर्स वेट करने हैं, और जैसे ही 48 आवर्स के अंदर मुझे ब्लिटिक मिल जाता है, ब्लिटिक मिलने के बाद मैं सेकंड वीडियो लेकर आऊंगा, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिले हैं। तो अगर मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया है, ब्लिटिक मिल जाता है, तो इस वीडियो का पार्ट टू जरूर लेकर आऊंगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूँ, अब आपने भी परचेस कर लेना है, जैसे जैसे मैंने किया ऐसे करके आपको परचेस कर लेना है। मैंने तो परचेस कर लिया है भाई, पैसे भी दे दिए हैं, अब देखते हैं मुझे ब्लिटिक मिलता है या नहीं मिलता है, 48 आवर्स मुझे वेट करना होगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, 48 आवर्स बाद
हो सकता है भाई 48 आवर्स से पहले ही मिल जाए, तो मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा पार्ट टू इस वीडियो का ब्लू टिक के साथ। तो वीडियो को एंड कर देते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए।